जेबीटी जाएगा, नया अध्यापक जाएगा, इसकी बाकायदा पोस्टिंग के ऑर्डर भी कर दिए हैं और इस पूरी सूची को शिक्षा मंत्री की अप्रूवल मिल गई है और अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अप्रूवल के लिए भेज दिया। यानी कि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव के साथ बैठकर डिस्कस करेंगे कि किन किन स्कूलों में इन तमाम बैच वाइज जेबीटी की आपने पोस्टिंग के ऑर्डर किए हैं, किन्हें कौन कौन सा स्टेशन अलॉट किया है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलने के तुरंत बाद इसके अपॉइंटमेंट लेटर जारी हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि उन्होंने इस सूची को जो तमाम इनकी पोस्टिंग के ऑर्डर आए थे इसे अप्रूवल प्रदान कर दिया और आज प्रयास किया जा रहा है कि देर शाम तक मुख्यमंत्री से अप्रूवल ले ली जाए। उन्होंने ये कहा कि चीफ मिनिस्टर की हरी झंडी मिलते ही तुरंत अपॉइंटमेंट लेटर इनको जारी कर दिए जाएंगे। टीजीटी को लेकर भी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अभी भी कुछ टीजीटी ऐसे हैं जिनको निर्धारित समय ज्वाइनिंग के लिए दिया गया था लेकिन अभी भी कुछ टीजीटी ने अपनी ज्वाइनिंग नहीं दी है, उस पर आज ये कड़े आदेश सरकार ने निदेशालय को जारी कर दिया आशीष कोहली को कि आप वेटिंग सूची प्रतीक्षा सूची में बैठे टीजीटी को बैच वाइज आप नियुक्ति प्रदान कर दें ताकि कम से कम जो सरकार का एक मोटिव था हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में नियुक्ति का वो पूरा हो सके। पुलिस बस यात्रा को लेकर ये पहले दिन से शोर मच रहा था कि इसमें बदलाव किया जाएगा। कैबिनेट में जिस प्रकार से निर्णय लिया गया कि 110 रुपए पुलिस कर्मचारियों के कटते थे और उसकी एवज में पूरा महीना असीमित यात्रा का लाभ मिलता था, लेकिन जब इस फैसले में बदलाव किया गया, कैबिनेट ने कहा कि अब जो ऑफिशियल ड्यूटी पर पुलिस कर्मचारी जाएगा सिर्फ उसे रिवर्समेंट की सुविधा प्रदान की जाएगी, बाकी अन्य कर्मचारियों को बिना ऑफिशियल ड्यूटी के ये यात्रा की नहीं मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने इस फैसले को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आग्रह किया, तमाम मंत्रियों से मिले, तमाम व्यवस्था के तहत इस बात को रखा कि हिमाचल प्रदेश में पुलिस कर्मचारियों को रात के समय 24 घंटे आपात स्थिति में किसी भी समय बस पकड़नी पड़ती है और ऐसे में रिवर्समेंट करवाना यह झंझट बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसके चलते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने HRTC को यह डायरेक्शन दी है कि हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की अगली बैठक में इसका बाकायदा एजेंडा लाया जाए और इस एजेंडे के अनुसार अब पुलिस कर्मचारियों का किराया 110 रुपये जो प्रतिमा उनकी कटौती होती थी उसे 500 रुपया करने का प्रपोजल लाया जाए। यानी कि 500 रुपये हर महीने पुलिस कर्मचारियों के वेतन से कटौती के बाद उन्हें HRTC की बस में असीमित बस यात्रा की सुविधा मिल जाएगी। ये पुलिस कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है जो इसका लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन किराया 110 से बढ़कर 500 रुपए हो जाएगा और उसके बाद ऑफिशियल ड्यूटी का रिवर्समेंट का सारे झंझट खत्म हो जाएंगे। पहले की तरह हिमाचल प्रदेश पुलिस कर्मचारी सचिवालय के सुरक्षा कर्मचारी इन तमाम जिन्हें यह सुविधा दी गई थी या फिर जेल कर्मचारी थे उन्हें यह सुविधा पहले की तरह मिलती रहेगी, लेकिन वेतन से कटौती 110 रुपए की बजाय 500 रुपए प्रतिमाह होगी। हिमाचल प्रदेश में फ्री बिजली सुविधा की बात की जाए तो यह कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, कैसे धरातल पर लागू किया जाए, इसे लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज इंटरनल मीटिंग अफसरों की बुलाई थी, बिजली बोर्ड के तमाम अधिकारी बुलाए थे और इस इंटरनल मीटिंग में मुख्यमंत्री ने जानना चाहे कि जो हमने जिस प्रकार से फ्री बिजली पर कैबिनेट का फैसला हुआ बात उन्होंने अफसरों के साथ की, उसके बाद मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किए कि हिमाचल प्रदेश में 23.5 लाख घरेलू कनेक्शन किन लोगों को दिए गए हैं इसकी एक महीने के भीतर रिपोर्ट उन्होंने तलब की और उन्होंने कहा है कि बिजली बोर्ड युद्ध स्तर पर अब पूरे प्रदेश में सर्वे करें और सर्वे में यह स्पष्ट करें कि हिमाचल प्रदेश में कितने किराएदार हैं जो कि किराए के मकान लेकर रह रहे हैं, उनके नाम कितने डोमेस्टिक कनेक्शन है उनके नाम के, उनके गाँव में कोई कनेक्शन है, क्योंकि आमतौर पर यह भी विरोध हो रहा था कि अगर सब्सिडी सभी की बंद कर दी जाएगी तो फिर किराएदारों का क्या होगा। लेकिन इसमें स्पष्ट आदेश इंटरनल मीटिंग में दिए गए हैं कि कम से कम 1 मीटर पर सब्सिडी पहले की तरह जारी रहेगी, 125 यूनिट बिजली मुफ्त में हिमाचल प्रदेश में मिलती रहेगी, लेकिन मिलेगी एक कनेक्शन पर, एक व्यक्ति के नाम 1 मीटर पर ये डोमेस्टिक कनेक्शन पर ये फ्री बिजली की सेवा जारी रहेगी। और अगर कोई किराएदार अगर उसका कोई गांव में अपने नाम कनेक्शन नहीं होगा तो उसे भी किराए के मकान में यह सब्सिडी मिलेगी, यानी
स्पष्ट कर दिया गया है, किराएदार को अपनी बिलिंग देनी होगी कि वे अपना अगर उस गांव में या शहर में उसका कहीं भी अगर अपने नाम का बिजली का मीटर है उस सब्सिडी उस पर सब्सिडी लेना चाहता है या जिस किराए के घर में वह रह रहा है उसमें सब्सिडी मिलेगी। इतना सरकार ने आज डायरेक्शन दे दी अपनी इंटरनल मीटिंग में कि एक मीटर पर, एक डोमेस्टिक मीटर पर हम 125 फ्री यूनिट बिजली जो हिमाचल प्रदेश के तमाम घरेलू उपभोक्ताओं को जारी रखेंगे। और यह भी कहा गया कि एक महीने में बिजली बोर्ड यह पूरा सर्वे करके बताएगा कि हिमाचल प्रदेश में किस व्यक्ति के नाम से कितने कनेक्शन है, वहां पर कंजम्पशन कितनी है, लोड कितना जाता है, कितना खर्च आता है, ताकि कम से कम स्पष्टता से फिर यह फैसला हो सके कि किस किस मीटर पर, एक मीटर पर कौन सा मीटर होगा, शहर का होगा, गांव का होगा, किराए का होगा। लेकिन इतना सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि एक बिजली के मीटर पर, डोमेस्टिक कनेक्शन पर 125 यूनिट बिजली हिमाचल प्रदेश में मुफ्त जारी रहेगी। और इस प्रक्रिया को लेकर भी जो आगे सरकार ने नोटिफाई करना, यानी कि किसी के नाम अगर 5-6 मीटर है तो सिर्फ एक बार अगर वहां पर फ्री बिजली की सुविधा मिलनी है, 5 का अगर पूरा चार्ज होना है तो इसके लिए भी कम से कम अगले 3-4 महीने का वक्त लग सकता है। यानी कि सरकार ने जो कैबिनेट में लिया था उसमें बड़े स्तर पर बदलाव भी होगा, बदलाव के बाद इसे लागू करने के लिए कम से कम अगले 3-4 महीने का वक्त लग जाएगा। यह तमाम हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है कि जो व्यवस्था चली आ रही है कम से कम ये माना जा रहा है कि नवंबर दिसंबर तक जारी रहेगी। लेकिन बिजली बोर्ड के लिए जरूर एक संकट वाली बात है, टेंशन वाली बात है कि उन्हें कम से कम जो उन्हें घाटे से उबारने का प्रयास किया जा रहा था वो जस का तस रहेगा। हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी महासंघ ने अपना जनरल हाउस बुलाया है, परसों जनरल हाउस की मीटिंग होगी और इसमें डीए एरियर पर क्या रणनीति बनानी है, क्या आंदोलन करना है या सरकार को इस घोषणा के लिए विवश करना है, ग्रह करना, क्या करना है, इसके लिए जनरल हाउस बुलाया गया है। लंबे समय के बाद हिमाचल प्रदेश कर्मचारी सचिवालय की तरफ से ये जनरल हाउस बुलाया गया है। जाहिर तौर पर कर्मचारियों को अपने डीए एरियर की उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 15 अगस्त के दिन उन्हें ये सौगात देंगे। 12% डीए लंबित है, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि हमने अपने कार्यकाल का डीए जरूर दिया, जयराम सरकार ने 2-3 किस्तें लटका दी थी और धीरे धीरे यह मामला लटकता जा रहा। मुख्यमंत्री ने जरूर इस पर कहा कि डीए किसी भी समय हम घोषित कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसके लिए हम 25 जनवरी का इंतजार करें या 15 अप्रैल का इंतजार करें, हम किसी भी समय हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को डीए और एरियर दे सकते हैं। लेकिन कर्मचारी अब धीरे धीरे इस मुद्दे को लेकर आक्रोशित होने लगे हैं, इसके चलते ही अब मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। 21 अगस्त के बाद यहां पर मोर्चा खुल सकता है और इसका वन विभाग कर्मचारी महासंघ ने भी समर्थन करने का ऐलान किया है। आज वन विभाग के कर्मचारी यूनियन की तरफ से भी इस पर कहा गया कि अब आर पार की लड़ाई लड़ने को हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी मजबूर हो गए हैं, उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है और इसके लिए साझा मंच बनाकर खिलाफत की जाएगी, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। शिमला में आज पत्रकार वार्ता पर वन विभाग कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रकाश बादल ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को बताए कि उनका डीए एरियर क्यों नहीं दिया जा रहा है, सरकार श्वेत पत्र जारी करके पैसों का हिसाब बताए कर्मचारी के नाम पर। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के नाम पर सरकार कर्ज ले रही है लेकिन कर्मचारियों के लंबित वित्तीय देनदारियों का भुगतान तब भी नहीं किया जा रहा है। प्रकाश बादल ने कहा कि अब स्पष्ट करना होगा वित्त विभाग को कि जो कर्जा लिया जा रहा है कर्मचारियों के नाम से, जो पैसा उठाया जा रहा है, आखिरकार वह पैसा कहां जा रहा है। उन्होंने कहा सेक्शन बजट के बिल पास नहीं किए जा रहे हैं, मजबूरन कर्मचारियों को आंदोलन की राह चुननी पड़ेगी, आंदोलन पर निकलना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में नई भर्ती नहीं हो रही हैं, रिटायर्ड लोगों को फिर से नियुक्तियां दी जा रही हैं, उन्हें सेवा विस्तार दिया जा रहा है। वन विभाग के कर्मचारी गर्मी के मौसम में बड़ा नुकसान हुआ था और पूरे के पूरे जंगल तबाह हो गए थे। वन विभाग के पास लगभग 300 फॉरेस्ट गार्ड फील्ड का काम छोड़कर दफ्तरों में क्लर्क का काम कर रहे हैं। प्रकाश बादल ने कहा कि इस तरह से 150 के आसपास रेंज ऑफिसर भी दफ्तरों में लगा दिए गए हैं जबकि उनका फील्ड का काम है। उधर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इंप्लॉयज यूनियन में भी आज बैठक कर पूरा गुस्सा उन्होंने बिजली बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ निकाला और बिजली बोर्ड की बेहद खराब वित्तीय स्थिति पर चिंता भी जताई, जिसके चलते उन्होंने इसके सीधे सीधे तौर पर दोषी बिजली बोर्ड प्रबंधन को माना है। इन कर्मचारियों का कहना था कि बिजली बोर्ड जैसी बड़ी संस्था को सरकार पिछले 1.5 साल से एडहॉक प्रबंधन पर चला रही है। डीके शर्मा अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि लंबे समय से स्थायी प्रबंधन की वजह से
बोर्ड की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है। जिन अधिकारियों को बोर्ड का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया उन्होंने 1.5 साल से राज्य के ऊर्जा क्षेत्र को प्रयोगशाला बनाकर रख दिया, एक्सपेरिमेंट का इसे पूरी तरह से लैब बनाकर रख दिया गया, जिसका खामियाजा बिजली बोर्ड के साथ कर्मचारियों व पेंशनर्स को भुगतना पड़ रहा है। यूनियन ने यह भी कहा कि प्रबंध निदेशक लंबे समय से अस्थायी तौर पर अनंतु की तरह 7 से 10 दिन में एक बार बिजली बोर्ड में आते हैं, जिसके चलते बिजली बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशक व निदेशक मंडल की बैठकें समय पर नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में लंबे समय से कई महत्वपूर्ण निर्णय व पदोन्नतियां बिजली बोर्ड में लटक गई हैं। पिछले साल मई महीने में सर्विस कमेटी ने जो निर्णय लिए उन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया। इसमें 20 मई 2003 को 23 को निदेशक मंडल ने बोर्ड में 1100 तकनीकी कर्मचारियों को भरने का फैसला लिया था, लेकिन अभी तक यह प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। यूनियन के अधिकारियों की वजह से 1.5 साल में बोर्ड और प्रदेश की जनता को हुए नुकसान की चार्जशीट तैयार कर अगली कार्रवाई सरकार को भेज दी गई थी, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में यूनियन के मामलों को गंभीर से देखते हुए इसकी जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का निर्णय लिया गया है। यूनियन ने यह भी कहा कि कुप्रबंधन के कारण बिजली बोर्ड गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है, जिस कारण कर्मचारियों व पेंशनर्स के वित्तीय लाभ सारे रुक गए हैं। स्थिति यह है कि पिछले 1 साल से कर्मचारियों की रिटायरमेंट पर अर्जित अवकाश व ग्रेचुटी की अदायगी नहीं हो पा रही है। आज बिजली बोर्ड कर्मचारियों के अभाव से जूझ रहा है। तकनीकी कर्मचारियों को 48 से 50 घंटे ड्यूटी देनी पड़ रही है, जिस कारण प्रतिवर्ष 30 से 45 कर्मचारी हादसे का शिकार हो रहे हैं। यूनियन ने कहा कि इस कुप्रबंधन की वजह से बिजली बोर्ड कर्मचारियों का धैर्य अब टूट रहा है और यहां आंदोलन की नौबत आ गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, जिसके बाद हलचल मच गई है। दरअसल मुख्यमंत्री का ये कहना था कि स्टाफ की कमी दूर हो सके शिक्षकों की स्कूलों में, तो इसलिए भर्ती की जाएगी आउटसोर्स पर, लेकिन पहले डाक कार्य उन शिक्षकों को करना होगा जिन्हें आउटसोर्स माध्यम से भर्ती किया जाएगा, और इसमें BCA और कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाले शिक्षकों को भर्ती किया जा रहा है। ये पहले कुछ महीनों तक डाक कार्य करेंगे, फिर इनका टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद फिर इन्हें रेगुलर कर दिया जाएगा। खैर, ये एक तरह से नई व्यवस्था हमें इस बार सुनने के लिए मिली है, लेकिन हलचल इस पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। पहला विरोध तो इसलिए हो रहा है कि आउटसोर्स माध्यम से भर्तियाँ क्यों हो रही है स्कूलों में, और दूसरी बात ये कि जो शिक्षक कंप्यूटर और BCA का ज्ञान रखते होंगे वो डाक कार्य करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तीसरी बात ये जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है ताकि आउटसोर्स माध्यम से ये भर्ती करवाई जा सके। हालांकि इससे अभी बेरोजगार युवा कितने सहमत हो पाते हैं बिल्कुल आने वाले कुछ दिनों में हम देखेंगे। और दूसरी बात डे बोर्डिंग स्कूल्स को लेकर है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये भी बड़ी स्टेटमेंट दी है कि जिन स्कूलों में पर्याप्त जगह होगी वहां पर डे बोर्डिंग स्कूल्स बनाए जाएंगे, एक तरह से वहीं का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। जब ये फैसला लिया गया था तो उस वक्त जानकारी सामने ये आई थी कि डे बोर्डिंग स्कूल्स के लिए अलग से जगह चयनित की जाएगी, कुछ अलग ही मापदंड उसके लिए तय हुए थे, कुछ अलग प्रावधान किए गए थे, कुछ नए पैरामीटर सामने आए थे, लेकिन अब पुराने स्कूलों में ही डे बोर्डिंग स्कूल्स का निर्माण करने की बात यहां पर हुई है। तो सवाल कई हैं, लेकिन फोकस अभी सरकार की ओर से किया जा रहा है कि शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाई जा सके, इसीलिए स्टाफ की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है, तरह तरह के हथकंडे अभी अपनाए जा रहे हैं, इसीलिए शायद आउटसोर्स माध्यम से भर्तियां भी करवाई जा रही हैं, और डे बोर्डिंग स्कूल्स का निर्माण भी जल्दी हो सके इसलिए पुराने स्कूलों का इस्तेमाल भी इसके लिए हो सकता है। फिलहाल संकेत अभी मुख्यमंत्री की ओर से कुछ ऐसे ही दिए गए हैं, आने वाले दिनों में क्या हलचल इसे लेकर नजर आती है जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से तो रिएक्शन सामने आ चुका है। दरअसल जो कुछ एक स्कूल अभी बंद करने का फैसला हुआ है, तकरीबन 99 स्कूल है जो डी नोटिफाई किए जाएंगे, तो नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि मंत्रियों के कार्यालय बनाने के लिए करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, उन पर करोड़ों इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो स्कूल आखिरकार बंद क्यों हुए, स्कूल क्यों नहीं चलाए जा सकते हैं। सरकार को फोकस करना चाहिए था इस बात पर कि एनरोलमेंट कैसे बढ़ाई जाए, लेकिन यहां तो स्कूल बंद करने पर ही सरकार आ गई है। यह बड़ा सवाल और बड़ी स्टेटमेंट नेता प्रतिपक्ष की ओर से दी गई है। दूसरी बात, उन्होंने एक ये सजेशन भी दिया है कि कॉस्ट कटिंग तो कार्यालय से होनी चाहिए, यानी कि मंत्रियों के कार्यालयों में जो इन्वेस्ट किया जा रहा है उससे कॉस्ट कटिंग होनी चाहिए, यह फैसला मुख्यमंत्री को जल्द लेना चाहिए बजाय इसके कि स्कूलों को बंद किया जा रहा है। देखिए, सरकारी
बोर्ड और निगमों पर अगले कल फैसला होने वाला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ी बैठक बुला ली है, मुख्य सचिव भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं और सभी विभागीय सचिवों से फीडबैक ली जाएगी 23 बोर्ड और निगमों को लेकर। पिछले कुछ सालों से 23 बोर्ड और निगम हिमाचल प्रदेश में चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें अधिकतर ऐसे बोर्ड निगम हैं जो कि घाटे में भी चल रहे हैं, हालांकि कुछ एक फायदा भी दे रहे हैं। हर बोर्ड और हर निगम की फीडबैक अलग से ली जाएगी कि कौन सा बोर्ड कौन सा निगम फायदे में है, कौन सा घाटे में चल रहा है। और देखिए, पिछले वर्ष भी एक बड़ा फैसला यहां मुख्यमंत्री की ओर से लिया गया था, एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन को HPMC में समायोजित कर दिया गया था, तो ये दोबारा से समायोजित करने पर निर्णय हो सकता है कुछ एक और बोर्ड और निगमों को जो फिलहाल अभी घाटे में है। अब कुल कर्मचारियों की संख्या देखिए बोर्ड और निगम में कितनी है, वो है 28,375। ये टोटल कर्मचारी हैं जो कि बोर्ड और निगम में कार्यरत हैं। और 31 मार्च 2023 तक का जो आंकड़ा कहता है उसके मुताबिक 5,200 करोड़ तक का नुकसान इन बोर्ड और निगमों में रहा है। हालांकि सबसे ज्यादा घाटे में जो बोर्ड और निगम है वो बिजली बोर्ड और HRTC बताए जा रहे हैं, और लाभ में भी कुछ एक बोर्ड और निगम चल रहे हैं, यानी कि जहां कारोबार अच्छे से किया जा रहा है उसमें एक पावर कॉरपोरेशन है, ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन है, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, सामान्य उद्योग निगम है, HPMC है और वन विकास निगम, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी है। ये मेन ऐसी कॉरपोरेशंस हैं जहां पर लाभ काफ़ी ज़्यादा पहुंचा है, ये सरकार को भी प्रॉफिट पहुंचा रहे हैं। लेकिन जैसे HRTC की बात करें, बिजली बोर्ड की बात करें, तो लगातार ये घाटे में जा रहे हैं। आखिरकार वजह क्या है और कितने बोर्ड और निगम को समायोजित यानी कि मर्ज एक तरह से किया जा सकता है, इस पर बड़ा फैसला हो सकता है। समायोजित करने पर अब निर्णय किस हिसाब से लिया जाता है, कितने बोर्ड और निगमों को यहाँ समायोजित किया जाता है, ये फिलहाल हमें देखना होगा। तो ये बड़ी जानकारी हम लेकर आए थे। दरअसल ये मीटिंग विधानसभा मॉनसून सत्र से पहले पहले बुला ली गई है, ये इसलिए क्योंकि हर बार सेशन के दौरान बोर्ड और निगमों की कार्यप्रणाली को लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं, इनकी कारगुजारी को लेकर कई तरह की टिप्पणियां विधानसभा सदस्यों की ओर से की जाती हैं, और कितना नुकसान अभी हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, इस पर भी अगले कल चर्चा होगी और बड़ी जानकारी अगले कल हम आपके लिए लेकर आ सकते हैं।